हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स, अपनी अपनी राय, अपने अपने सजेशंस, अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ साथ आप सबकी जानकारी के लिए इस बार मैं बहुत प्योरली बता देती हूँ, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि क्यों किसी के घर के मैटर में घुस रहे हो, तो इसीलिए आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ स्पेशली उन चुनिंदा लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच ब्लॉगर है, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यूज़ दूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब स्पेशली ये चीज़ मैंने इसीलिए बताई क्योंकि कुछ लोगों को रिएक्शंस के मतलब समझ में नहीं आते। उनको लगता है कि रिएक्शन जो देता है वो किसी के घर में घुसता है, बट अब जाके इन्हें कौन बताए कि रिएक्शन वालों ने किसी के भी घर पर कोई कैमरा फिट नहीं किया है, या हम पर्सनली किसी के घर पर जाके उनकी घर की खबरें नहीं लेके आते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही क्रिएटर्स हैं आपके, जो अपने घर की चार दीवारी की खबर सोशल प्लेटफॉर्म पे लाके अगर रख रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर हर किसी का ओपिनियन बनता है, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, और अपना नज़रिया शेयर करने की हर किसी को पूरी पूरी आज़ादी है, अनटिल अनलेस कि वो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना हो। अगर किसी की निजी ज़िंदगी में प्राइवेटली कुछ भी हो रहा हो तो उस पर हमारा कोई हक नहीं बनता, लेकिन जो चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली पब्लिक कर दी गई है, यानी कि आपने उसको पब्लिक के हाथों में सौंप दिया है, उससे आपने रेवेन्यू ले लिया है, एक तरीके से आपने वो बेच दी है अपनी चीज, तो उस पर पब्लिक की पूरे पूरे राइट बनते हैं अपना अपना ओपिनियन देने का, ठीक है। उसके बाद मुझे कल, मैंने पूरा व्लॉग देखा नहीं था देवरानी और देवर का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पता चला कि देवरन देवरानी ने लास्ट के कुछ सेकंड्स में कुछ इस चीज़ से लीगल चीज़ से रिलेटेड कोई बात की है। तो पहली बात कि यहाँ हम उस देश के वासी हैं, और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पे अपनी बात रखने की पूरी पूरी आज़ादी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ हर किसी नागरिक को अपनी बात रखने की पूरी पूरी आज़ादी देता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ प्रधानमंत्री को तक लोग नहीं छोड़ते हैं, उन पे तक बातें होती हैं, राष्ट्रपति पे तक बातें होती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे तक बातें होती हैं, उनको तक ट्रॉल किया जाता है, उनकी तक फ़ोटो यूज़ होती है, उनकी तक मीम्स बनती है। तो क्या उन्होंने हर किसी के लिए लीगल एक्शन ले लिया जाता है? कोई नहीं कहता कि अपने घर की कॉन्ट्रोवर्सी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाओ। अगर आप लोग अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी लाइफ, अपना रूटीन शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उस पर हर बंदे के, हर इंसान के अलग अलग नज़रिया होगा, और वो उसी नज़रिए के हिसाब से बात करेगा। अब इन्होंने ये भी बोला कि मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं धमकी भी दे रही हूँ, मैं धमकी नहीं भी दे रही हूँ और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, बट मैं लीगल टर्म यूज़ करके मैं धमकी भी दे रही हूँ कि मेरी फ़ोटो यूज़ हो रही है, मेरा नाम यूज़ हो रहा है। ये टाइम था इनके पास, फ्रेंकली स्पीकिंग ये टाइम था इनके पास अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना इनकी खुद की चॉइस थी, किसी ने इन्हें फोर्स नहीं किया था। अपने घर के मुद्दे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाना इनकी खुद की चॉइस थी। अब अगर इन्होंने ये सब चीज़ें कर दी है, उसके बाद इन्होंने पब्लिक से और ज़्यादा अपने आप को डिटैच कर दिया है। आपने जब कोई चीज़ सर्व कर दी है तो आपको कम से कम वहाँ पे शांति से बैठ के सबके पॉइंट ऑफ व्यू, सबके नज़रिए की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। एक समझदारी यही बोलती है कि आपने अब झगड़ा तो कर लिया, अगर आप चौक पे लड़ाई करोगे तो चौक पे 10 लोग आपकी लड़ाई को सुलझाने भी आएंगे और 10 लोग आपका मजाक बनाने भी आएंगे, लेकिन आपने क्योंकि गलती करी है तो आप वहाँ पे साइलेंटली चुप ही रहेंगे। गलती मानने को समझदारी कहते हैं, गलती करने के बाद उस गलती पे अपनी दादागिरी दिखाना, इस चीज़ को गलत कहते हैं। अब जेठानी जी की बोली हुई एक बात मुझे याद आ गई, अभी थोड़े दिन पहले वो जब वीडियो बनाया था तो उन्होंने तानाशाही वाला बोला था ना कि घर में किचन को लेकर तानाशाही, तो मतलब आप सोशल प्लेटफॉर्म पर भी तानाशाही वाली चीज़ें करोगे कि हम कुछ भी करें लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ भी दिखाएं लेकिन आप वही बोलोगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जब ये रायता फैला ही दिया है तो रायते को ठंडा होने की और समेटने की कोशिश कीजिए, शांति से, एग्रेसिवली नहीं। ये पब्लिक है, आप जितना भड़केंगी पब्लिक डबल आप पे भड़केगी, डबल तरीके से आपको पब्लिक जो है जवाब देगी। पब्लिक को इम्प्रेस करना आपको आता होगा, आपने इतनी जर्नी तय करी है, वो इम्प्रेस करना भी आपको आता होगा, और किसी को भी इम्प्रेस करने
के लिए आपको पहले प्यार दिखाना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा, नाराज़गी, इमोशंस आपने सब दिखा दिया, अब आपका प्यार दिखाने का टाइम है। जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपके अगेंस्ट होनी है, तो आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैं कैसे किसी की नफ़रत को प्यार में बदलूँ। आफ्टर ऑल ये पूरी ऑडियंस आपको व्यूज़ देती है, इनकी बदौलत आप फर्श से अर्श तक पहुँचे हो, तो इनकी अगर भावनाओं को ठेस पहुँची है या आपसे कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करें, उनको अपने लिए अच्छी चीज़ें सर्व करें, अपना एक पॉजिटिव साइड भी दिखाएं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ऐसे इस तरीके से धमकी या धमकाने वाली चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला, इनफैक्ट आप अपने आप को और उनसे दूर कर देंगी और अपने लिए नेगेटिव बोलने पे मजबूर कर देंगी। चलिए उसके बाद आती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैं रात में सो गई, जब सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे कमेंट सेक्शन में एक अनदर लेवल की जंग छिड़ रही है। सब्सक्राइबर आपस में लड़ रहे हैं, और जब मैंने स्क्रॉल करा कि मुद्दा आखिर चल क्या रहा है, तो मुद्दा वहाँ पे चल रहा है सुंदरता के ऊपर। अब एक वर्ड मैंने और पढ़ा, दंतुली, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कुछ दंतु दंतुली करके एक वर्ड मैंने यहाँ पे सुना। तो ये सुंदरता का मुद्दा एक अलग ही मुद्दा लेके सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब ये सुंदरता का मुद्दा कहाँ से है, मैंने जैसे कि बताया कि वो जो 2-2.5 घंटे की वीडियो थी ना, वो एक बहुत लंबी वीडियो थी यार, और इतना टाइम बहुत कम लोगों के पास होता है कि वो पूरी 2-2.5 घंटे की वीडियो तसल्ली से बैठ के देखें। मैंने भी देखी, बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ी, बिकॉज इतना टाइम आप समझ सकते हैं कि घर के और भी काम होते हैं। तो वापस से सब्सक्राइबर्स के थ्रू ही पता चला कि उस वीडियो में ये चीज़ बोली गई थी कि जो देवरानी जी हैं उनकी सुंदरता से जेठानी जी जलती हैं। तो उस टर्म को लेके सब्सक्राइबर्स आपस में लड़ रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में। तब मुझे पता चला कि अच्छा, वीडियो में कुछ सुंदरता को लेके भी बात हुई थी कि देवरानी की सुंदरता से जेठानी जी चिढ़ती हैं, और बस हेटर्स और सपोर्टर्स के बीच में इस बात की जंग छिड़ गई। एक के बॉडी शेमिंग कर रहा है, दूसरे की बॉडी शेमिंग कर रहा है, एक को सुंदरी कह रहा है, दूसरे की फीचर्स की मजाक बना रहा है। अरे यार, ये क्या कर रहे हो, मतलब किसी इंसान ने तो चलो, उन्होंने तो बोल दिया जो बोल दिया, उन्होंने तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर दिया इन दिनों में दुनिया को, किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस कर दिया अब क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी जनता हो, आप तो समझदार जनता हो, आप तो किसी के भी इस तरीके से ब्लाइंड फॉलोवर मत, किसी के रंग रूप नाक नक्शे को देख के आप लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो, इस तरीके से बॉडी शेमिंग कर रहे हो। शक्ल सूरत यहीं की यहीं रह जाएगी, अब ऐसी शक्ल सूरत का क्या फ़ायदा कि आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फैमिली का तमाशा बन गया है। फैमिली के घर की इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं जो कभी आनी नहीं चाहिए थी। क्या इज्जत रहेगी उस सुंदरता की, क्या करोगे ऐसी सुंदरता का। सुंदरता होती है इंसान की इज्जत से, उसकी सीरत से, वो कैसा है। कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं कुछ लोग ना, बात पे कर्मा की बात करते हैं, बात पे भगवान जी की बात करते हैं। तो भगवान की ही बनाई हुई ये पूरी सृष्टि है, भगवान ने ही हर इंसान हर जीव जंतु को बनाया है, तो उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि को आप सुंदरता, बदसूरती, इन सब चीज़ों में कैसे तोल सकते हो। क्या यहाँ पे आपका कर्मा आपको हिट बैक नहीं करेगा, क्या यहाँ पे आपका कर्मा नहीं बिगड़ रहा है कि आप एक को सुंदर दूसरे को बदसूरत बोल रहे हो। खासकर वो लोग जो कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी ये बात कि क्या यहाँ पे आपका कर्मा ख़राब नहीं हो रहा है। बॉडी शेमिंग किसी भी औरत की, किसी भी इंसान की, किसी भी आदमी की नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, आपके पास अदर देन बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, आप वो कर सकते हो, बट किसी के फीचर्स को लेके इस तरीके से मत करो। और अगर सुंदरता की ही बात करो तो सुंदर तो लोग फिर आपने देखे ही नहीं है दुनिया में, कि सुंदर कैसे लोग होते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि यार वाओ, मतलब इसे कहते हैं सुंदरता। सुंदरता तो ताजमहल में है, उसे कहते हैं सुंदरता। बनाने वाले को कहेंगे सुंदरता, जिसने वो इतना सुंदर खूबसूरत ताजमहल बना दिया उसको कहेंगे सुंदरता, कि उसकी क्रिएशन कितनी सुंदर थी, उसके माइंड में कितनी अच्छी क्रिएटिविटी थी कि उसने कितनी अच्छी क्रिएशन कर दी, उसे कहेंगे सुंदरता। तो प्लीज़ ये इस तरीके की लुच्ची पुच्ची टुच्ची हरकतों पे बहस मत करो। सुंदरता, बदसूरती, दंतों पंतों, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों को लेके यहाँ पे लड़ाई मत करो। सारे लोग खूबसूरत हैं, हर इंसान खूबसूरत है, लेकिन बस थोड़ा सा अपना दिल भी अगर खूबसूरत कर लेना
तो फिर शक्ल पे किसी की नज़र ही ना जाए। और अगर मैं अपना पर्सनल नज़रिया शेयर करूँ सुंदरता पे, तो मेरी नज़र में देवरानी भी बहुत खूबसूरत है, मेरी नज़र में जेठानी भी बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती से अपना काम कर रहे हैं, इतनी खूबसूरती से मेहनत कर रहे हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ के आज लाखों सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन किए हैं। आज इस कॉन्ट्रोवर्सी पर कमेंट करने वाले कितनी सारी ऑडियंस उन्होंने कमाई है, तो इसे कहते हैं खूबसूरती। और दोनों ही अपनी जगह बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदरता से उन्होंने अपना काम किया है। भले ही उनके काम का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता हो कि किसी की एडिटिंग बेस्ट है, किसी की आवाज़ बेस्ट है, किसी की वीडियो क्वालिटी बेस्ट है, किसी के अंदर ये स्किल है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती है और हर इंसान अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकता है। एक टाइम था जब लोगों को यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, किसी से सीखा होगा, सीखने के बाद बनाना शुरू किया होगा, एडिटिंग सीखी होगी, एकदम से कोई किसी भी चीज़ में प्रो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को सीखा होगा। तो स्किल सबके अंदर होती है, बस हमें सही गाइडेंस और डेवलप करने के लिए उसे सीखना पड़ता है, उस चीज़ पर टाइम देना पड़ता है। तो मेरी नज़र में तो देवरानी जेठानी दोनों सुंदर हैं, क्योंकि बहुत सुंदरता से काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, अपने अपने कॉन्टेंट पर काम कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट लाने का ट्राई करते हैं, अपने अपने चैनल्स को लेके पजेसिव हैं, अपने काम को लेके डेडिकेटेड है, चाहे वो इंस्टाग्राम का काम हो, चाहे वो यूट्यूब का काम हो। काम से ही इंसान की एक्चुअली पहचान होती है। अगर ये काम नहीं करते, आज इनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो सुंदरता को कोई पूछता नहीं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आप देखोगे जो गाँव और देहात के हैं, सोचिए, और मिलियन मिलियंस में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। क्या वहाँ पे भी लोग सुंदरता को देख के उन्हें देखते हैं? जी नहीं, उनका कंटेंट, उनकी नेचुरल व्लॉगिंग उनकी रियलिटी से कनेक्ट करती है ऑडियंस, उसके बाद उनको देखती है और उनको मिलियंस बिलियंस तक पहुँचाया हुआ है। तो सुंदरता यूट्यूब पे नहीं चलती, यूट्यूब पे चलता है आपका कंटेंट, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन। और ये चीज़ ये दोनों की दोनों कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये डेडिकेशन ही तो रीज़न है इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट का, क्योंकि दोनों के दोनों आगे बढ़ना चाहती हैं, मेहनत कर रही हैं, कंटेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों में से ना तो कोई बदसूरत है, दोनों में से ना तो कोई किसी से कम है, दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हर इंसान जो मेहनत करता है, मेरी नज़र में वो बिल्कुल इज्जत और रिस्पेक्ट का हकदार है, खासकर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी अगर वो अपना टाइम किसी एक चीज़ पर दे रही हैं तो वाकई में वो मेहनत कर रही हैं, चाहे वो कोई भी फीमेल हो, कोई भी काम हो। एक हाउस हेल्प भी अगर आपके घर में काम करती है, तो वो भी अपने घर का काम, अपने घर के बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके घर का काम करने आती है, तो वो भी उसका डेडिकेशन है, वो भी उसकी मेहनत है। तो उसको भी आप यही बोलोगे कि वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि वो अपने घर का खर्चा चला रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो हर वो औरत जो मेहनत करती है ना, अपने घर के काम के साथ साथ अपनी आमदनी भी बनाने की भी मेहनत करती है ना, वो हर औरत खूबसूरत है। सिर्फ आप लोगों को अपनी सोच खूबसूरत करनी है, तो आपको दुनिया खूबसूरत दिखेगी। और प्लीज़ इस तरीके से बॉडी शेमिंग वाले स्टेटमेंट्स ना, मैं इन्फ्लुएंसर से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगी, किसी भी स्टेज पे कुछ भी मैटर हो जाए, ऐसे स्टेटमेंट्स मत पास किया करो कि उन स्टेटमेंट्स की वजह से एक पूरा बवाल क्रिएट हो जाए, एक पूरा बवंडर मच जाए, लोगों को एक गलत मैसेज चला जाए। जैसे कि मैंने बोला कि आपने अगर एक स्टेटमेंट बोली, आपने भले ही उस कॉन्टेक्स्ट में ना बोली हो, लेकिन 10 लोग होंगे जो उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। इसीलिए किसी भी सेंटिमेंट्स में, किसी भी इमोशंस में बातें क्या बोलनी है, ये हमेशा सोच समझ के बोलो। एडिटिंग आपके हाथ में होती है ना, अकॉर्डिंग टू द देवर और देवरानी की दे आर वेरी गुड इन एडिटिंग। तो एडिटिंग अगर हाथ में होती है, और अगर आपको लगे कि ऐसे कोई स्टेटमेंट्स पास हो गए हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं बहुत स्मार्टली, ताकि उस स्टेटमेंट्स का बवाल ना मचे। सुंदरता जैसे स्टेटमेंट्स का बवाल मच गया, लड़ाइयाँ चल रही हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत शौक हुई ये चीज़ें देख के, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप किसी की रंग रूप शक्ल सूरत पर कोई भी बात मत करें, अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग बहुत समझदार और अच्छी ऑडियंस है, आप लोगों की लॉयल्टी प्रूव होती है इस चीज़ से कि आप लोग अपना टाइम निकाल के वीडियोस भी देख रहे हैं, टाइम निकाल के कमेंट्स भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये आपकी लॉयल्टी है कि आप इतनी लॉयल ऑडियंस हो, किसी से इतना दिल से कनेक्ट हो। तो प्लीज़ समझदारी भी थोड़ा सा दिखाइए, चीज़ें आज नहीं तो कल ठंडी हो जाएंगी और आप लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना प्यारे प्यारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।